डीएचए ने खयाबान इत्तेहाद स्ट्रीट को तामीर करके दुनिया भर में एक मिसाल कायम की। ग्रीनरी को मेंटेन किया गया है, स्ट्रीट लाइटों को देखा गया है, सड़कें बनाई गई हैं और डस्टबिन रखे गए हैं, पार्कों को डेवलप किया गया है, ओपन स्पेस को बनाए गए हैं। ये सारी चीजें आपको सिर्फ खयाबान इत्तेहाद में देखने को मिलेगी। ये कोई लाहौर की गलियां नहीं है बल्कि कराची का डिफेंस है जो आपको दोनों तरफ हरियाली देखने को मिलती है और बारिश के बाद तो इस जगह की खूबसूरती में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। यह लिक्विड 3, इसकी मशीन की खासियत यह है कि यह हवा से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खत्म करता है और एक दरख्त का काम करता है। यह पूरा एरिया डीएचए और सीबीसी की जानिब से डेवलप किया गया। यह डीएचए है और आप भी गुलशन इकबाल वाले हो, लियाकताबाद वाले हो, बल्दिया टाउन वाले हो, गार्डन वाले हो, मलीर वाले हो या फिर लांडी वाले हो, इसके लिए आपको मेयर कराची से गुजारिश करनी पड़ेगी। भाई डीएचए ने खयाबान इत्तेहाद को भी बैनुल अक्वामी तर्ज पर ना सिर्फ स्ट्रीट बनाई है बल्कि पूरे एरिया को डेवलप कर दिया। इस पूरे एरिया की खासियत यह है जितनी भी स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं सारी की सारी स्ट्रीट लाइटें शमसी तवानाई पर चलती है और मजे की बात यह है जदीद तर्ज के रोड डेवलप कर दिए हैं जो कि इस जगह की खूबसूरती में बेतहाशा इजाफा कर रहे हैं। और मजे की बात यह है पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं होती क्योंकि शहर कराची में चले जाओ ठीए वाले पता नहीं कौन कौन खड़े होते हैं तो इंसान पैदल नहीं चल सकता, मगर इस जगह पर आपके लिए एक मखसूस सड़क तैयार की गई है जहां पर लोग पैदल चल सकते हैं, जहां पर लोग ओपन स्पेस पे बैठ सकते हैं, जहां पर ग्रीनरी लगाई गई है और मजे की बात यह है पार्क को डेवलप किया गया है जहां ओपन स्पेसेस के साथ साथ आपको फायर फाइटिंग सिस्टम अंडरग्राउंड देखने को मिलेगा क्योंकि पूरा एरिया कमर्शियल एरिया है। खयाबान इत्तेहाद कमर्शियल एरिया है, यहां पर बेशुमार ऑफिसेस हैं, उन ऑफिसेस की मयार को पूरा उतरने के लिए यहां जितने लोग काम करने वाले हजरात हैं, जितने कारोबारी हजरात यहां पर काम कर रहे हैं उनके लिए एक मॉडर्न स्ट्रीट जो है वो तैयार की गई है। न सिर्फ स्ट्रीट तैयार की गई है बल्कि पार्किंग के लिए भी बेशुमार ओपन स्पेसेस छोड़े गए हैं ताकि लोग यहां पर सुकून से पार्किंग कर सकें, पैदल चल सकें और यहाँ की खूबसूरती से महजूज हो सकें। तो भाईजान ये जो गली आप देख रहे हैं ये कोई लाहौर की गलियाँ नहीं है बल्कि कराची का डिफेंस है जो आपको दोनों तरफ हरियाली देखने को मिलती है और बारिश के बाद तो इस जगह की खूबसूरती में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। और तज़ीन आराइश के बाद ये जगह लग ही नहीं रही कि मैं इस वक्त किसी शहर कराची की गलियों में घूम रहा हूँ बल्कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की ये गलियाँ हैं और फील आती है कि किसी मरी जैसी गलियों में हम घूम रहे हैं। माशाल्लाह यार सच में आपको मैं बताऊं ना, अगर ये व्यू देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी शहर कराची में नहीं घूम रहा बल्कि मैं किसी बैरून ममालिक में घूम रहा हूँ और उसका ज़बरदस्त खूबसूरत सा ये शहर है। और आप चेक कर सकते हो भाई ये शहर कराची है और मज़े की बात मैं आपको ये बता दूँ कि ज़बरदस्त सा रोड तैयार कर दिया है, साइडों पर फुटपाथ बना दी है, हरियाली कर दी है और मज़े की बात ये है कि फायर फाइटिंग सिस्टम भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सारा फायर फाइटिंग सिस्टम आपको अंडरग्राउंड कर दिया है और जगह जगह के ऊपर जो है वो आपको पार्किंग देखने को मिलेगी, पार्किंग स्पेस बना दिया है, जिन जिन लोगों के दफातर हैं उनके नीचे उनको पार्किंग स्पेस देखने को मिलेंगे। और भाईजान एक खूबसूरत सी वाइब समय जो है वो देखने को नज़र आ रही है और चेक कर सकते हैं आप। सिर्फ यही नहीं बल्कि ओपन स्पेसेस बना दिए जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं, थोड़ी देर बात कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और ये भी आप चेक करो माशाल्लाह भाई चेक करो कमाल है यार, और ग्रीनरी हरियाली ने तो इस जगह की खूबसूरती में बेतहाशा इजाफा कर दिया है भाई। तो भाई अक्सर शिकायतें रहती हैं कि इस शहर में बैठने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है। भाई यहाँ पर बैठने के लिए एक बड़ा सा ओपन स्पेस तैयार किया गया है जहाँ पर बेंचेस रखी गई हैं, डस्टबिन रखे गए हैं और मज़े की बात यह है जहाँ पर आप बैठ रहे हैं वहाँ पर ग्रीनरी भी की गई है ताकि आपको एक फ्रेशनेस सा फील हो और आप इस जगह पर एक अच्छा फील करें। डीएचए ने बुखारी कमर्शियल स्ट्रीट को तामीर करके दुनिया भर में एक मिसाल कायम की। तो दूसरी जानिब खयाबान इत्तेहाद को भी जबरदस्त किस्म का एरिया डेवलप करके एक बेहतरीन मिसाल कायम की। और न सिर्फ खयाबान इत्तेहाद और खयाबान बुखारी बल्कि फेज 8 पे मॉडर्न स्ट्रीट बनाई और इसके साथ साथ शहर कराची में दूसरी प्लास्टिक की सड़क थी जो कि डीएचए ने तामीर करवाई। और मजे की बात यह है कि इस पूरे डीएचए में एक मॉडर्न किस्म की लाइब्रेरी तामीर करवाई।
तो सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि खयाबान इत्तेहाद में अब जदीद किस्म का काम डिज़ाइन किया जा रहा है, जो कि मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं। ये है लिक्विड 3। इसकी मशीन की खासियत ये है कि ये हवा से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ख़त्म करता है और एक दरख्त का काम करता है। और मज़े की बात यह है, इसे सर्बिया के साइंसदान ने डिज़ाइन किया है, जो कि अब यहाँ पर भी इंस्टॉल कर दी गई है मशीन। और इस मशीन से आलूदगी का खात्मा करना यकीनी बनाना है। एक तरफ बिल्डिंगों की खूबसूरती और दूसरी तरफ यहाँ पर तज़ीन और आराइश का काम यहाँ की खूबसूरती में बेतहाशा इजाफा कर रहा है। और मज़े की बात यह है, यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है जहाँ पर लोग पैदल चल सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ की जो रोड की जो पेंट की गई है, जो रोड की लेन है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। और इसकी खासियत यह है कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को मज़ा आता है, लगता ही नहीं है कि वो किसी शहर कराची की किसी सड़क से गुजर रहे हैं। तो भाईजान, जगह चाहे वो रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल हो, अगर बैठने के लिए पुरफिज़ा माहौल है तो यकीन माने दिल खुश हो जाता है। तो खयाबान इत्तेहाद को न सिर्फ मॉडर्न स्ट्रीट बनाया है बल्कि यहाँ की खूबसूरती में बेतहाशा इजाफा किया गया है। ग्रीनरी को मेंटेन किया गया है, स्ट्रीट लाइटों को देखा गया है, सड़कें बनाई गई हैं और डस्टबिन रखे गए हैं, पार्कों को डेवलप किया गया है, ओपन स्पेस को बनाए गए हैं। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ खयाबान इत्तेहाद में देखने को मिलेगी। और मज़े की बात मैं आपको बता दूँ, जाते जाते एक मैसेज मैं ज़रूर दूँगा, जितने आने वाले लोग हैं उन लोगों को चाहिए भाईजान इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि टेंशन नहीं लो, यहाँ पे डस्टबिन की कमी नहीं है, यहाँ पे डस्टबिन की भरमार लगी हुई है। चाहे आप किसी भी सड़क पे हो, चाहे पार्क पे हो, चाहे ओपन स्पेस पे हो, आपने इस जगह को मेंटेन करना है, खूबसूरती इसकी बरकरार रखनी है। तो भाई, ये DHA है और आप भी गुलशन इकबाल वाले हों, लियाकताबाद वाले हों, बल्दिया टाउन वाले हों, गार्डन वाले हों, मलिर वाले हों या फिर लांडी वाले हों, इसके लिए आपको मेयर कराची से गुजारिश करनी पड़ेगी। और अगर मेयर कराची साहब आपको भी इसी तर्ज का माहौल दे देते हैं तो आपको भी इसी तरीके से मेंटेन रखनी है जगह को। पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं लगता ये इतनी सारी चीज़ें जो डेवलप्ड हुई हैं वो आपको भी मिलेगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मेयर कराची साहब भी ऐसी डेवलपमेंट जगहों को देखकर गुलशन इकबाल को भी, लियाकताबाद को भी इसी तर्ज की स्ट्रीट, इसी तर्ज की सड़कें और पार्क को डेवलप करके दिखाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।